जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नोटिस द डेट में। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सौरभ घोषाल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टेस्ट चैंपियनशिप चेओ गजू दक्षिण कोरिया में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। सौरभ घोषाल और रमित टंडन ने फाइनल में कुवैत को 2-0 से हराकर अपना अपना मैच जीते। रबित ने अली अरामिजी को 11-5, 11-7, 11-4 के खिलाफ 3-0 के अंतर से जीत हासिल की, जबकि सौरभ घोषाल ने मार अल्ता मिमी 11-9, 11-2, 11-3 के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की। मलेशिया से सेमीफाइनल में 1-2 से हारने के बाद महिला टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यह 5वीं बार था जब महिला टीम ने कांस्य पदक के साथ वापसी की। पहली बार 1990 के शुरुआत में कांस्य पदक महिला टीम ने जीता था। टूर्नामेंट के शुरुआत में पुरुष टीम ने ग्रुप चरण में भी शीर्ष स्थान हासिल किया था और कतर, पाकिस्तान, कुवैत, दक्षिण कोरिया और चीन ताइपे को 3-0 से हराया था। उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।